तो मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो आज आपने सवाल उठाया है, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा जी, यहां पे जो हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि डिस्ट्रिक्ट में दूसरे नंबर पे ये हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो नाम का हॉस्पिटल है, बाकी यहाँ पे देखो कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर हैं, BMO साहब भी हैं, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हमारा एंथीजिया का डॉक्टर कोई नहीं है, उसके बाद हमारा चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोई नहीं है, फिजिशियन हमारा कोई नहीं है। अभी GST को हार्डली 2-3 रुपये एक सर्जन साहब आए हैं, बड़े अच्छे सर्जन साहब, पहले यहाँ पर रह के गए हैं। तो मैं उनके पास गया तो वो कहने लगे कि बलराम जी, अगर कोई भी आता है तो मैं उसको ऑपरेट कैसे करूँ, यहाँ पे कोई जो बेहोशकी वाला वो डॉक्टर ही नहीं है। तो जब किसी आदमी को मैं बेहोश करूँगा तो उसके बाद ही मैं उसको ऑपरेट करूँगा। तो मैं इंतज़ामिया से, खासकर जो हमारे BMO साहब हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप जो है आप रिकमेंड करें यहाँ से कि यहाँ पर इन डॉक्टरों की कमी है। तो दूसरे नंबर पर मैं अपने जो DC साहब नए आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि DC साहब यहाँ के हॉस्पिटल का देखो, बाकी हॉस्पिटल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सफाई है, हर चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो हमें सिर्फ डॉक्टरों की कमी है। मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे LG साहब हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे 3 डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। एक जो हमारा बेहोशकी वाला डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो हमें चाहिए बहुत ज़रूरी, और तीसरे जो सबसे ज़रूरी चाहिए वो फिजिशियन साहब हैं। पहले यहाँ पर हमारे अदरीस साहब थे, उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उनको भी उठा के कहीं भेज दिया। तो आज की डेट में ये हमें जो 3 डॉक्टर हैं बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि सबसे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हमारी जो माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, डिलीवरी केस होता है तो यहाँ पे आती हैं, वो यहाँ पे फ़ौरन रेफ़र कर देते हैं रजौरी के लिए। तो जब रजौरी उनको ऑपरेट करते हैं तो 8 दिन तो वो हॉस्पिटल में रहते हैं, क्योंकि आज कल आपको पता है कि तकरीबन 90% 95% जो है वो डिलीवरी ऑपरेट से होती है, 5% जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो अगर ऑपरेट करा के वापस आएंगे यहाँ पे रह के हफ्ते बाद फिर वो चेक कराने के लिए वापस जोरी जाएंगे। तो ये मैं इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें एक फिजिशियन साहब दें और एक जो हमारा बेहोशी वाला डॉक्टर दें और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमें दें। मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने का मौका दिया। देखिए, मेंडर एक वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस है, जो SGH मेंडर है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंडर। यहाँ पे बलनोई गानी से लेकर बालाकोट और बॉर्डर से लेकर संजोट और जड़ा अली गली से लगभग लाखों के लोग जो है वो मेंडर शफा खाने में लोग आते हैं इलाज मालजे के सिलसिले में। अलबत्ता यहाँ पे जब भी कोई आता है तो यहाँ पे डॉक्टरों का जो ना होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से LG सरकार से और मेडिकल का जो ये डिपार्टमेंट है उससे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पे जब भी आते हैं यहाँ से छोटी सी छोटी बीमारी, अगर सर भी दर्द होता है तो बच्चे को यहाँ से, या कोई बुजुर्ग है या बच्चा है तो उसको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है रजौरी के लिए। हालांकि यहाँ पे सफिशिएंट इक्विपमेंट भी हैं यहाँ पे, और जैसे आपने कहा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट का यहाँ पे ना होना, मेन फिजिशियन का ना होना, एनेस्थीसिया का ना होना, और भी इस तरीके के बहुत सारे जो हैं वो डिपार्टमेंट जो इनके खाली हैं, वैकेंसीज जो नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे इसको पूर किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, लोग दर बदर भटकने के लिए जो है वो मजबूर हो रहे हैं। लोग यहाँ से अगर एक बंदा निकलता है, उसको छोटी सी अगर डायग्नोज होता है तो उसको कहते हैं कि यहाँ पर आपके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो आप यहाँ से निकल जाइए, रजौरी जाइए या पुंछ जाइए, जम्मू जाइए। तो मुझे बताइए, हज़ारों का या सैकड़ों का वो जो है खर्चा, वो हज़ारों लाखों में जाके ख़त्म होता है। तो ये यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, और मैं ये स्पेशली कहूँगा जब से डॉक्टर प्रवेश साहब यहाँ से गए हैं तो यहाँ पे हॉस्पिटल का दिवालिया सा निकल गया है।
यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे खींचना चाहिए और पूरे स्टाफ को यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जो नई वैकेंसी उनको फुल कराना चाहिए, उनको फुलफिल करना चाहिए, लिखना चाहिए ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी इनकी मेडिकल डिपार्टमेंट है प्रिंसिपल सेक्रेटरी में जो है उनको लिखना चाहिए ताकि यहाँ पे जो है वो डॉक्टरों की तैनाती की जाए। अलबत्ता अगर ऐसा नहीं होता आने वाले दिनों में डॉक्टर्स जो हैं वो जो लोग हैं वो सड़कों पर आएंगे तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।